नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के बारे में, जो सर्विस मशीन जिसे हम पीकीसी पेवर, गाड़ी मशीन, रेडिएटर वगैरह सब क्लीन कर सकते हैं इससे। तो दोस्तों, इसका हम रिव्यू करेंगे आज की इस वीडियो में। ये मशीन है कार्चर कंपनी का, और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि टाटा BS4 2523 का फैन बेल्ट कैसा फिटिंग करते हैं और कैसा ओपनिंग करते हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। स्पेशल है ना, जैसे गाड़ी वॉश होती है ना अपनी, सर्विस सेंटर वैसा ही। इसका बड़ा रूप है। तामझाम केबल है, गन है इसका। जिससे भी इसको पानी देंगे उसका कनेक्शन कौन सा पाइप में किधर में लगेगा, इसमें आएगा ना। जैसे टैंक, जो पानी का टैंक है, पानी का टैंक से डायरेक्ट इसमें। और इसका आउटपुट कौन सा होगा, वो वाला? ये आउटपुट है। ये आउटपुट जो होगा, मतलब वायरिंग कट गई है ऐसा लगेगा। ठीक है, अच्छा। इसको प्रॉपर टाइट रखना है, इतना भी नहीं कसना है कि पानी से नहीं, सिर्फ हाथ से टाइट कर सकते। ठीक है, ये रबर की वायरिंग यहाँ भी डली हुई है, यहाँ जाएगा। ये है गन, ये इसमें अपन ने ऐसा कस दिया। और ये है प्लस माइनस का, प्लस तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम ज्यादा करेगा, माइनस तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम करेगा। ठीक है, अच्छा, इससे होगा मतलब कम ज्यादा, इसको घुमाने से होगा कम ज्यादा। आपको बता दिए यहाँ से ऑयल निकालने का, ये सर्विस करना, उसका जो वाटर कितना लीटर ऑयल लगता है, 1 लीटर ऑयल लगता है, 90 नंबर 90 नंबर गियर ऑयल ना। इसके भी ओरिंग है, ठीक है। ये सीधी थ्रेड चढ़नी चाहिए, सिर्फ इसको पानी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हाथ से फुल टाइट करना है। और ये आपका गन में, ये गन में कनेक्ट, ये गन में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका कनेक्ट। ठीक, बस इसका ऐसा ही है। इसके लिए पाइप पाइप रखने के लिए, ये गन टांगने के लिए पाइप रखने के लिए ये ऐसा है, ये यहाँ पे रखेंगे अपन, बाकी का जो पाइप है अपन यहाँ टांगेंगे। अच्छा, इसके लिए ठीक। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन को हम सर्विस पॉइंट पे उठा कर ले आए हैं, और ये देख सकते हैं ये है पानी का टैंक, और इसमें हमने मेन लाइन का कनेक्शन कर दिया है। और ये है आउटपुट जिसमें हमने गन फिट किया है, और चलिए हम स्टार्ट करके देखते हैं इसे। स्लो स्लो कर दीजिए।